सरकार प्रशासन न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका जिम्मेवारी है कि न्याय करना। अगर कोई अपराध करता है तो उसको दंड देना न्यायपालिका का काम है जी, आम लोगों की काम नहीं है। जिस तरह से आज भावना लोगों में आ रहा है कि हम शारीरिक दंड देंगे, वो एक राजनीति है, समाज को उद्दलित कर रहा है, समाज को एक प्रकार का जो दिशा विहीन कर रहा, दिशा विहीन ये हो रहा है, संविधान के खिलाफ अनैतिक कर्म जिसको कहा जाता है। पुलिस वहाँ पे कार्रवाई कर रही है, फास्ट ट्रैक में उनको सारा चीज़ कर रही है, लेकिन जो मीडिया वहाँ पे जाके राजनीतिकरण कर रही है, टीआरपी की का खेल कर रही है, अपना चेहरा चमकाने का काम कर रही है और देश को हिंदू मुस्लिम विवाद में झोंकना चाह रही है, ऐसा लगता है ये संपूर्ण अन्याय है। संविधान के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक संविधान का नियम को तीतांजलि कर रहे हैं, उसको ये लोग दरकिनारे करके अपना रोटी सेक रहे हैं, अपना झंडा को बुलंद कर रहे हैं। संविधान को ये लोग पालन करना नहीं चाहते हैं। बाबा साहब का नाम कभी ये लोग लेते हैं और बाबा साहब का जो निर्देश है, जो संविधान में उल्लिखित है कि सरकार स्पष्ट रूप से मानना चाहिए, सरकार को, न्यायपालिका को, पुलिस प्रशासन को, आम लोगों को मानना चाहिए कि सरकार स्पष्ट निर्देश है कि अपराध का आपराधिक जो कर्म है उसमें सरकार घृणित घृणा करती है, उसको सुधारने के लिए जेल है, उसको सुधारने के लिए कानूनी दंड है, लेकिन अपराधी को घृणा नहीं करना चाहिए, अपराधी को मारना नहीं चाहिए, सशरीर नहीं मारना चाहिए, ये अपराध है। और जो भी मीडिया बाहर स्टेट से आकर अपना चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं, टीआरपी का खेल कर रहे हैं, मैं उन मीडियाओं को कहना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड में 3.5 करोड़ में से 2.5 करोड़ लोग 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं। है हिम्मत आप लोगों में? दिखाओ, वीडियो चलाओ। और मेन स्ट्रीम मीडिया को एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक बच्चा स्कूल का एक लकड़ी और पानी का बोतल पे एक वीडियो बनाता है तो उसको प्राथमिकता, लेकिन हमारे झारखंड के 2.5 करोड़ लोग रात दिन चिल्ला रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, ये इन लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। ये तो सोचने वाली बात है। संवैधानिक रूप से ही झारखंड अलग हुआ है और झारखंड अलग होने के बाद जो हमें अधिकार मिलना चाहिए, झारखंडियों को मिलना चाहिए, उस पर भी भेदभाव हो रहा है। आज झारखंड के लोग आंदोलित है अपना हक अधिकार के लेके, लेकिन उस पर सरकार, केंद्र सरकार का चिंता नहीं। ये सब सारी चीज़ ये लोग जो है ना आके दिखा रहे हैं कि हम जो है कि शाहरुख को सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर शाहरुख बड़ा फैक्टर नहीं है, आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, ये सारा चीज़ उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। उन लोगों को सिर्फ दिखा देता मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम राजनीति करने के बाद उन लोग सत्ता हासिल किया है और सत्ता में बने रहने के लिए वो लोग उलूर झुलूर बयानबाजी करते रहते हैं। आज देखिए जो लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, आज महाराष्ट्र में आपने देखा, अब बंगाल में भी हमला किया, आप देखिए बिहार में क्या स्थिति हुआ और झारखंड में करने के लिए क्या आतुर है लोग। कि चारों तरफ जो लोकतंत्र है, जो लोगों ने वोट देके जो सरकार बनाया, उस सरकार को गिराने का खेल खेल रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई, ये सब में उन लोगों को नज़र नहीं है। शाहरुख क्या है? शाहरुख एक अपराध किया है तो उसके लिए न्यायालय है, उसको न्यायालय दंड देगा, उसको न्यायालय फांसी देगा, बिल्कुल एकदम देगा, क्यों नहीं देगा? इस तरह जघन्य अपराध करने वालों को कौन बचाए? कोई भी रहे, शाहरुख रहे चाहे सराफत रहे, चाहे सपन रहे, चाहे अपन रहे, जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी रहे, उनको संविधान के दायरे में जो कानून बाकायदे जो कानून बना है वो कानून के दायरे में उसको दंड होगा। लेकिन इस तरह से अमानवीय घटना महिलाओं पर जो हो रहा है, ये प्रधानमंत्री जी को इसमें विशेष कानून बनाना चाहिए। जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिला को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजना लाया, एक नारा उनका रहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इतना बड़ा उनका स्लोगान पूरे देश के कोने कोने में लोगों ने जुलूस, प्रदर्शन और नारा लिखा, लेकिन आए दिन देखा कि 15 अगस्त के दिन जो उन्होंने अमृत महोत्सव किया और उस दिन बिल्किश बानो
जो हमारे गुजरात की महिला बहन थी उनके साथ जो दरिंद्रों ने घटना घटाया वो रोमांचक घटना और लोम आपको सिहर जाएगा ऐसे घटना हुआ कि एक गर्भवती महिला के साथ एक सामूहिक रूप से घेर कर दरिंद्रों ने कैसे नोचा उनको, कैसे उनकी इज्जत अबरू को नोचा और कैसे उनके मासूम बच्चे 3 साल के बच्चे को पटक के मारा, उनकी पेट पर पल रहे थे वो बच्चे के साथ किस तरह से व्यवहार किया और वो भानो जी का देहांत हुआ। नहीं नहीं तो ये दिलीप जी ऐसा लगता है कि ये ही लोग जो हैं यही विचारधारा के लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ दलाली किए ना, इन लोगों का खून बहा कर। बिल्कुल बिल्कुल, जो अपना नैतिकता नियम कानून को नहीं पालन कर रहे हैं, देश का जो संविधान को पालन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे मानसिकता की कुछ लोग जो हैं ये देश में अफवाह पैदा करते हैं, उद्दंडता मानसिकता में अपने राज कायम करने के लिए अपना नीति, कोई भी नीति उन पर लागू नहीं होता है। आप देखिए हाल फिलहाल में सिंदरी के घटना को आपने देखा कि सिंदरी में भारतीय जनता पार्टी के लोग FCI के जमीन में जबरन कब्जा करके रखा था और वहाँ के जो स्वाभिमानी वहाँ के गाँव देहात के लोग रहते हैं जिनके पूर्वजों की जमीन में FCI सिंदरी बना, उन लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया। एक छोटा सा साधारण व्यवसायी जो सब्जी बेच के अपना दिन गुजारा करता है किरण महतो, उनको कैसे लक्की सिंह और लक्की सिंह के गुंडा ने मारा। मारने के बाद जब गांव वाला पूछने आया उन लोगों को बेशर्मी से मारा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यही काम है देश के व्यवस्था उत्पन्न करना और न्यायानुशासन करना और ये एक माहौल खड़ा करता है कि हम लोग बहुत ही अच्छे हैं। आपने देखा कि रांची के जो घटना आपने बताया वो भी आपका वो सीमा पात्रा रांची का महिला मोर्चा का अध्यक्ष हैं, वो पट्टा भी देखिएगा बीजेपी का। हाँ बीजेपी का महिला मोर्चा का जो उनका देखिए गला पर पट्टा है भाजपा का लगा हुआ है और उन्होंने जो अमानवीय घटना किया कि उसको लेकर ये लोग नहीं चाहे जाएंगे अपना माइक और ये सस्ते माइक और मोबाइल वो वीडियो बनाने। देखिए तमाम मीडिया आज बिकाऊ है, भारतीय जनता पार्टी की गोद में वो लोग नाच रहे हैं तमाम मीडिया। आप देखिए सीमा पात्रा जिस तरह आदिवासी महिलाओं के गुप्तांग में बार किया और मानव पता ही नहीं अमानवीय रूप से उसको जो निर्यातन दिया उसको बंधक बना के रखा था, संजोग है कि वो उनकी जान बची और वह केस जो न्यायालय तक पहुंचा। इस तरह से ही वो लोग लक्की सिंह हो चाहे ये सीमा पात्रा हो चाहे और दूसरे जगह में जो है मानसिकता भाजपा वाला वो लोग ऐसे ही करता है। तो कुल मिलाकर ये मैं बता दूं अपने चैनल के माध्यम से मैं कई लोगों से यहाँ पे बात कर रहा हूँ और सारे लोगों का यही कहना है कि जितने भी ये जो सस्ते माइक और मोबाइल लेके जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर लोग वहाँ पे जाके ये लोग अंकिता को न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग जो है कि खास करके अपना चैनल का TRP बढ़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है। जब देश में संविधान है, और एक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मीडिया वाले संविधान के विरुद्ध बोले हैं कल वो संविधान की बात नहीं करेंगे, है हिम्मत आप लोगों में? देखते हैं आगे चल के कैसे हिम्मत रहेगा। जो प्रतिनिधि खुद बोलता है जय भीम बोलना अनैतिक है, अव्यवहारिक है, ऐतिहासिक है, तो क्या है जय भीम? क्या है? एक स्लोगन है, ऊर्जा, मन की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। ऐसे व्यक्ति, ऐसे विधायक जिसका लाभ हुआ संविधान लिखने के पश्चात, ऐसे विधायक ही अगर संविधान का विरोध करे, संविधान लिखने वाला का विरोध करे, तो कैसे मानसिकता है भाजपा का? क्या? और एक बात है दिलीप जी, मैंने काफ़ी स्टडी किया, बहुत लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो इस तरह की कोई बात मेरे नज़र में नहीं आई। अब मेरे नज़र में क्या आई ज़रा आप सुन लीजिए, मेरे नज़र में ये आई कि धर्म के प्रति लोगों का विश्वास कम क्यों हुआ, मुस्लिम की वजह से, शिक्षा की वजह से। तो यहाँ साफ एक बात जाहिर होता है, शिक्षा की वजह से धर्म को मानना लेकिन धर्म में पूरी तरह कट्टर हो जाना ये मूर्खता का काम है। लेकिन ये शिक्षा कहीं ना कहीं हमको देखते हैं कि ये जो सरकार है शिक्षा को कम करने पर तुली हुई है कि शिक्षा से ही जो है कि उनको खतरा ज़्यादा हमको लग रहा है। देखिए धर्म ये मुस्लिम कोई फैक्टर हमको नहीं दिख रहा। धर्म एक निजी मामला है जी, धर्म और को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल,
राजनीति अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। लेकिन ये लोग तो बिना धर्म का राजनीति नहीं, नहीं करते। जो लोग धर्म के नाम से राजनीति करते हैं ये संविधान का खिलाफ है। संविधान में कहीं इस तरह से वर्णित नहीं किया है, लिखा गया है कि आपको जबरदस्ती ये धर्म करना है ये नहीं करना है। वो मर्जी है, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं हम। हम क्या करेंगे कि इस धर्म को पालन नहीं करें, हम अपना जीवन में अपना जीवन शैली जो है किससे चलाएं, उस पर इसका चिंता नहीं है कि हमको रोजगार मिले नहीं मिले। धर्म का ठीका लेके बैठा हुआ है, तो धर्म का कोई ठेकेदार नहीं होता है, अपना अपना स्वतंत्र है। आज़ाद देश के हम नागरिक हैं, हम किस धर्म में जाएंगे, किस धर्म का पालन करेंगे वो हमारा मर्जी है, उसमें कोई संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो चलिए, ये थे मासस के दिलीप ओझा जी, और हम कहना चाहते हैं कि उन तमाम मीडिया जो निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए दुमका के धरती पर गए, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस क्या कर रही है उस पर नज़र होनी चाहिए, ना कि वहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक होनी चाहिए, ना कि अंकिता के लाश के साथ में जो है कि TRP बनाना चाहिए। तो तमाम बातों को आप लोग कैसा समझते हैं, क्या समझते हैं, नहीं समझते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। और जो भी घटना देश में घट रही है, इस तरह अमानवीय घटना घट रही है, उस पर जो भी सच्चे पत्रकार है वो अपनी बात अगर रखते हैं तो ग्रामीण TV उनको सैल्यूट करती है। कोई मनोव्यवस्था उत्पन्न करने की कोशिश की हम लोगों ने नाकाम किया है बुकारो मास्टर सिंहा रुबिया कांड में अहम भूमिका निभाई और भाईचारा को कायम रखा, संप्रदाय शक्ति को पीछे जाना पड़ा, प्रशासन आगे आया और यहाँ कोई व्यवस्था उत्पन्न होने नहीं दिया हम लोग बोकारो में। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग भी खास करके दिलीप जी और हम, जो शाहरुख ने जिस तरह जघन्य अपराध को अंजाम दिया है उसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, और जितना जल्द हो सके सरकार और प्रशासन से हम लोग गुजारिश करते हैं कि उसको जितना जल्द हो फास्ट ट्रैक के माध्यम से हो, किसी के माध्यम से हो, उनको सजा दिलाना प्रशासन के काम है। शाहरुख का जो है कि अंकिता के साथ पिछले 4-5 सालों से FIR था, उनके फ़ोटो कुछ वायरल हो रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ वायरल हो रहे हैं मैं इसको पूरा प्रामाणिकता के साथ सही और सटीक करार नहीं देता हूं, लेकिन प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा कि निष्पक्ष जरूर जांच कर ले, किसी की ज़िंदगी की बात है, अगर हो सकते ऑनर किलिंग की बात अगर सही हो तो फिर ये तो उच्च स्तरीय जाँच की बात है, चित्र पर भरोसा मत कीजिए, उच्च स्तरीय जांच के मामला है, जांच करने के बाद ही दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तमाम देशवासियों से अपील करेंगे कि इस तरह के जो अफवाहें हैं इस पर ध्यान न दें, संविधान पर भरोसा रखें, न्यायालय पर भरोसा रखें। जो अपराध किया है, अपराध और अपराधी में बहुत अंतर होता है, समाज एक व्यक्ति के लेकर नहीं है, समाज बहुत ही बृहद है, दोनों समाज को शांति बहाल करके रखना चाहिए। और जो अपराध काम किया उसके साथ न्यायालय दंड दे, अंकिता के परिवार को जितना हो सके आर्थिक मदद दें, सरकारी नौकरी दें। धन्यवाद। ये संदेश जो है कि देश के कोने कोने पर जाए और संप्रदाय शक्ति जो है उस पर नज़र रखे, प्रशासन अपराधी प्रवृत्ति को नकल कसे और जितना जल्दी हो सके जो अमानवीय घटना हुआ है, महिलाओं के साथ आए दिन इस तरह का जो हो रहा है, इस पर सरकार ध्यान दे। लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं उन लोगों से मेरा विनती है कि इस तरह का राजनीति ना करें, देश को शर्मिंदा करने का काम ना करें। उनको एक सलाह है कि देश में और भी कई घटना घट रही है, उस पर भी अपनी आवाज़ रखिए। TRP के लिए सिर्फ काम करना ये अच्छी बात नहीं है। जय झारखंड।